नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की UPPCS मेंस 2018 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 156 प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग 157 नंबर प्रश्न और 158 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो GS फर्स्ट पेपर का प्रश्न है, और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और कुछ चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि जो प्रश्न आप लिख रहे हैं उस प्रश्न को अच्छे से समझिए कि कितनी मात्रा में पूछा गया है, उतनी ही मात्रा में आप लोगों को जवाब देना है। जो प्रश्न है उसका सटीक उत्तर देना है, और जो आप प्रश्न लिखते हैं तो उसको लिखते समय आप लोगों का कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखिए। और क्या करना है कि जैसे जो आपका प्रश्न है तो प्रश्न में कोई श्लोक, गीत और कविता या मूवी के गीत आप लोग डाल सकते हैं। और क्या करना है कि जो आप प्रश्न लिख रहे होते हैं तो जो आपकी लेखन शैली है, ठीक है, शब्द रचना है, उसको आप लोगों को अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और शब्द रचना अच्छी होनी चाहिए। और हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसमें आपका जो डेटा है, जो चीज़ें पूछी गई हैं आपको, उन चीज़ों को आपने सही रूप में बताया है, ठीक है। तो आज का प्रश्न है, इसको आप लोगों को लिखना है। और जो कविता, श्लोक या गीत के बोल, मूवी के गीत या कोई महान विचारकों की लाइन को आप लोग अगर उससे स्टार्ट करते हैं, या महिलाओं से संबंधित कोई अच्छी लाइन है तो उससे स्टार्ट करते हैं, या इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में आप लोग एक एक अगर कोटेशन डाल देते हैं तो आपका जो उत्तर है बहुत ही अच्छा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आज का प्रश्न क्या है। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ये जो प्रश्न हैं आप IAS के प्रश्न दे रहे हैं, तो दोस्तों ये IAS और PCS का प्रश्न इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे ही जाते हैं, और UPPCS आयोग IAS के जो मेंस के पेपर के प्रश्न हैं उनको क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। या अगर आयोग ही प्रश्न बनाने लगा तो वो ऐसा कुछ थोड़ी होगा कि वो नहीं पूछ सकता। और ऐसे भी अगर अच्छे प्रश्नों को अगर देख लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन कौन से पड़े हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ अगर थोड़े शब्दों में अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी एक छोटी सी मार्केट थी, पहले हमारी एक कानपुर में मार्केट थी, ठीक है, छोटी सी, फिर कानपुर के बाद वो बढ़कर उत्तर प्रदेश में हो गई, फिर उसके बाद पूरे भारत में हो गई, फिर उसके बाद वो पूरे की पूरी पृथ्वी पर हो गई। तो यहाँ पर पूरी की पूरी पृथ्वी या जितने भी देश हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, उन सबको एक मान लेना, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यही है कि आर्थिक रूप से पूरा का पूरा विश्व एक बाजार है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये हो गया। अब यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है इसने किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट किया है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमें एक पक्ष पर बात करनी, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं, सकारात्मक कौन से हुए और नकारात्मक कौन से हुए। तो अब देखिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन आया है तो उसकी वजह से महिलाओं के साथ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट कौन कौन से हुए हैं वेमेंस पे, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें ये कि जैसे पहला पॉइंट ही है कि जैसे बाहर की विदेशी कंपनियां अगर हमारे देश में आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनी लगाती हैं, तो कंपनी में रोज़गार मिलता है और वहां पर महिलाओं की भी नियुक्ति होती है, वो भी जॉब करती हैं, तो महिलाओं को रोज़गार मिलता है, ठीक है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों में जो
सभी सेवाएं हैं इनका विस्तार होता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी बैंक आती है या अमेरिका की कोई एक बड़ी बैंक आती है भारत में, तो वो रिक्रूट करती है यहाँ की महिलाओं को। भाई देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पर केवल पुरुष ही काम करेंगे, ठीक है, जेंट्स हर जगह नहीं हो सकते, तो यहाँ पर महिलाएं भी हर जगह पर रहती हैं। तो जो बैंक सेक्टर है या शिक्षा का क्षेत्र है या स्वास्थ्य का सेक्टर है, या जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी एक चेन है, ठीक है, एक कंपनी की चेन है, तो वह क्या करती है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। जो हॉस्पिटल्स की एक चेन है, तो वो एक विदेशी कंपनी लेके आती है और इंडिया में एक ब्रांच खोलती है आके। तो उन चीज़ों का जब विस्तार होगा तो महिलाओं की जो आर्थिक प्रगति है वो भी बहुत अच्छी होगी। और जो बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य है, इन सब में महिलाओं ने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है। और इनके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं तो चंद्रा कोचर हैं, इंदिरा नूई हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आज की डेट में जो महिलाएं हैं सिविल सेवा में भी हैं, डिफेंस में भी हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण एक वैचारिक चीज़ें भी आती हैं कि विदेशों में ये लोग, लड़कियां ये कर रही हैं, तो हमारे भारत में भी ये चीज़ें चेंजेस हुए कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। भारत में भी एक सामाजिक बदलाव आया कि ये चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए। जो भारत में एक रूढ़िवादी मानसिकता बनी हुई है, उस सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया ग्लोबलाइजेशन ने, ठीक है। अब जो महिलाएं हैं, महिलाओं की अगर जॉब लग जाती है तो देखिए उनकी सामाजिक जो प्रताड़ना होती है, या जो एक कहते नहीं, एक आत्मनिर्भरता आती है, ठीक है, और क्या है कि उनकी अगर आर्थिक स्थिति सही होगी तो वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, वो खुद से डिसीजन ले पाएंगी, और इसमें समाज की भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और महिलाएं जो होती हैं, जैसे घर के अंदर और घर के बाहर कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो उसमें अगर कोई, अब आप खुद एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल सोच के देखिए कि अगर एक कोई महिला है जो घर के अंदर रहती है और जॉब नहीं करती, वह फाइनेंशली खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको एक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ठीक है, उसके प्रति भेदभाव किया जाता है, उसको बड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता है, नहीं आप सीधे घर पे रहो, चूल्हा चौका करिए, आप अपना घर का काम करिए, तो ये क्या है, उनकी मानसिक स्थिति को और दबाता है। और वहीं पर अगर कोई एक महिला है, उसकी अगर जॉब लग जाती है, अच्छी पोस्ट पर हो जाती है, तो घर वालों का भी नाम रोशन करती हैं, अपने भाई सगे संबंधियों का भी नाम रोशन करती हैं, तो यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धता है वो बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है महिलाओं के लिए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, जो महिलाएं हैं उनको घर से बाहर लाई और बाहर जाने के लिए तत्पर हुई, रोजगार के अवसर तलाशे और रोजगार को प्राप्त किया, और जो अपने निर्णय हैं या पारिवारिक निर्णय हैं उनमें भी इनकी भूमिका बढ़ी। और क्या है कि जो इतनी सारी सकारात्मक पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे कुछ एक चीज़ें हैं कि जो ये फ़ायदा मिला है कुछ ही महिलाओं को मिला है। आज की डेट में आप अगर ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट डालें, या ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है या जो प्रभाव है वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण के प्रभाव केवल शहरी शिक्षित महिलाओं पर आए हैं, ठीक है। जैसे जो मिडिल क्लास में हैं, अपर क्लास में महिलाएं हैं, जो जानकार हैं, जागरूक हैं, उनके बीच में आए। आज की डेट में भी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बारे में आप एक गांव की महिला से पूछे जाके, तो वहाँ पर उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, नहीं इसलिए भी नहीं होगी, वो शिक्षित नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि वो बेरोजगार हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करते हैं, और वैश्वीकरण ने नो डाउट एक इफ़ेक्ट, जो प्रभाव है उसको डाला है हमारे समाज पर, सामाजिक भी सांस्कृतिक भी। जैसे जब आर्थिक रूप से चीज़ें बदलती हैं तो आदमी का एक सामाजिक बदलाव भी आ जाता है, और सामाजिक जब बदलाव आता है तो धीरे धीरे वो संस्कृति की तरफ परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, कि जैसे हमारे रहने की और अपने जैसे कपड़ा पहनने की या जो भी आप पहनते हैं उसकी पहनने की संस्कृति भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब वहीं पर आप सोच के देखिए कि गांव में एक अगर परिवार है, वहां पर अगर महिला है वहां रह रही है, तो वो चाहे भी तो कुछ मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती,
ठीक है। तो ये हमारे यहाँ समाज की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोगों जो बात कर रहे थे वैश्वीकरण पर जो नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो देखिए महिलाएं जो थी घर पर तो काम करती ही थी, इनके पास बाहर जाके काम करना एक दोहरा दबाव आ गया है इनके ऊपर। ग्लोबलाइजेशन ने नो डाउट बहुत अच्छा प्रभाव डाला, उसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं उनको एक जैसे है ना कि मानसिकता बनी हुई है कि घर के कार्य महिलाएं ही करेंगी। तो यहाँ पर उनके ऊपर दोहरा दबाव पड़ने लगा, घर के कार्य करना है प्लस बाहर के कार्य करने हैं। तो यह एक नकारात्मक इम्पैक्ट है। और क्या हुआ कि जैसे जब पहले क्या था महिलाएं घर के अंदर रहती थी, अब क्या है कि महिलाएं बाहर जाने लगी। तो जब बाहर जाने लगी तो जो उत्पीड़न की जो समस्याएं होने लगी, जो रास्ते में एक छेड़खानी होने लगी और महिलाओं का शोषण होने लगा, तो ये सारी समस्याएं महिलाओं के साथ में उत्पन्न होने लगी। ठीक है। और क्या हुआ है महिलाओं के साथ में कि कुछ और समस्याएं कि जैसे जो कार्यस्थल है जहाँ पर जॉब करती हैं महिलाएं, तो वहाँ पर भी कार्यस्थल पर उनके साथ शोषण होने लगा, बाहर जैसे घर से और कार्यस्थल के बीच में भी होने लगा और कार्यस्थल में भी होने लगा उनका शोषण। तो ये कुछ समस्याएं ग्लोबलाइजेशन जिसके कारण महिलाओं की जो आर्थिक प्रगति हुई और बाहर निकलना जो समाज में घर से बाहर निकली तो उनके साथ ये समस्याएँ खड़ी होने लगी। और क्या है कि जो आज के उपभोक्तावादी दौर में और वैश्वीकरण के कारण लोगों के एक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण उनको ऐसा लगने लगा जो महिला है महिला उपभोग की वस्तु है। तो ये एक लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन जैसे उपभोग वाले जो महिला को एक उपभोग की दृष्टि से देखना, ये बहुत समय पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया वैश्वीकरण ने। और क्या है कि जो जैसे जो पारंपरिक हथकरघा उद्योग है जैसे, तो इनमें अवसर रहता था कि महिलाएं अधिकतर कार्य करती थी, तो इन अवसरों को भी कम हो गए। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी जो आपका ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको अब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। और जो पारंपरिक हथकरघा उद्योग थे या जिनमें महिलाएं कार्य करती थी उनकी संख्या भी परिवर्तित होने लगी और यहाँ पर कमी आने लगी, उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है कि इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं और कुछ पॉइंट्स जो आपने कहीं से भी पढ़े हों अभी तक जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हो, तो उन प्रश्नों को आप लोग इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट हो आप लोग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं और उत्तर को बहुत अच्छी तरीके से लिखे। लिखने के बाद मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9140085178, तो इस पर आप लोगों को जो भी उत्तर लिखते हैं तो इस पर भेजना है। और मैं आप लोगों को पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है तो उसको आप लोग ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा कि जो उत्तर मेरे पास आप लोग भेजते हैं तो वही उत्तर मैं आप लोगों सभी लोगों को वहाँ पर देख सकते हैं। उससे क्या होगा, दूसरों के उत्तर भी आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। कुछ आइडियाज़ जो आप लोगों ने दूसरों के उत्तरों में देखते हैं वो आपको पता चलेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आज का सेकंड प्रश्न कौन सा है। सेकंड प्रश्न जीएस सेकंड पेपर का है और प्रश्न संख्या 158 है। ठीक है। और 125 शब्दों में लिखना है। देखिए हमारे पास यूपीपीसीएस मेंस के लिए दो पैटर्न हैं, 200 शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना है, 125 शब्दों में लघु उत्तरी प्रश्न लिखना है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। अब आज का जो प्रश्न है प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 का महत्व समझाइए। ठीक है। जो आर्टिकल 370 है तो इसका महत्व आपको समझाना है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, अब जो 370 है जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ विशेष स्थिति है तो इसको अब हम लोग देखेंगे, इसके महत्व पर चर्चा करनी है। और इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है 125 वर्ड में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो आप लोग 125 वर्ड में इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए आर्टिकल जो 370 है तो 370 जो है इसका
यह जो हमारा मूल संविधान था तो उसके अधीन जम्मू कश्मीर राज्य की एक विशेष स्थिति को दर्शाता है। सबसे पहली बात कि इसको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं जो अन्य किसी राज्यों को नहीं मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भी ये चीज़ें हैं और इसी को वर्तमान में हम लोग 370 को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा वर्तमान से रिलेटेड भी हो जाता है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, हमारे जो भारतीय संविधान के सभी उपबंध, जैसे जो हमारी पहली अनुसूची में क्या दिया है, पहली अनुसूची में यही दिया है कि राज्यों, जैसे 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल जो आपकी अनुसूची है फर्स्ट में, ठीक है। तो जो भी अनुसूची फर्स्ट में प्रावधान दिए हैं, ठीक है, तो वो आपके जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे अन्य राज्यों के साथ में क्या है, आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया है कि हम राज्यों के नामों में परिवर्तन और बाकी सारी चेंजेस, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, उनका अधिग्रहण, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सेंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जबकि है क्या, एक यद्यपि है क्या कि जो अनुसूची फर्स्ट है, फर्स्ट में अनुसूची में लिस्टेड है जम्मू कश्मीर, लिस्टेड है, लेकिन उसके उपबंध जो हैं वो लागू नहीं होते, तो इतना ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो आर्टिकल फर्स्ट है और अनुच्छेद 370 है, ये अपने आप ही जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं संविधान के अनुसार, लेकिन कुछ एक्सेप्शन टाइप में इनको अधिकार दिए गए हैं कि जो अनुच्छेद, जो या कह सकते हैं जो सभी राज्यों पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, ठीक है, वो चाहे अधिग्रहण का हो या नाम परिवर्तन हो या क्षेत्र परिवर्तन हो, किसी टाइप के चेंजेस जो हो, जो संसद कर सकती है, वो वहाँ जम्मू कश्मीर की संसद या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के जो मामले में नहीं अधिकारिता रखती है हमारी भारतीय संसद, ठीक है। और क्या है कि जो अन्य अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो अन्य अनुच्छेद हैं, राज्य सरकार के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, आरोपित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर अन्य आर्टिकलों में क्या है कि जैसे जो इन आर्टिकल को छोड़कर, अनुसूची फर्स्ट और आर्टिकल फर्स्ट को छोड़कर, बाकी सारे आर्टिकल राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा आख्यायित किए जाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। और संसद को, जैसे हमारे यहाँ भारत में तीन सूचियाँ हैं, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र सूची पर अधिकार होता है संसद का, राज्य सूची पर अधिकार है राज्य का, लेकिन राज्य सूची पर कई ऐसे मामले हैं जिन पर संसद बना सकती है कानून, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में एक यह चीज़ है कि सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, जो राज्य है वो भी कानून बना सकते हैं, लेकिन यहीं पर एक्सेप्शन आता है कि जो संसद की जो समवर्ती सूची है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उस पर अधिकारिता किसकी नहीं है, संसद की नहीं है, हमारे भारतीय संसद की अधिकारिता इस पर नहीं है जम्मू कश्मीर के मामले में, ठीक है। और क्या है कि जैसे कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनाने, जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने में सख्ती जो होगी वो हमारी संसद को नहीं है, वहाँ की खुद की विधानमंडल जो है, विधानसभा, विधान परिषद, उन चीज़ों की है, ठीक है। विधानमंडल की यह अधिकारिता के अंतर्गत आता है कोई भी कानून बनाना है, कोई शक्ति बनानी है, ठीक है। तो ये सारी शक्तियाँ किसको दी गई हैं, जो जम्मू कश्मीर का विधानमंडल है उसको दी गई हैं, ना कि भारतीय संसद को, ठीक है। तो ये सारे महत्व हैं किसके, आर्टिकल 370 के। और क्या है कि भारत के संविधान का संशोधन, जैसे भारत में कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो जम्मू कश्मीर पर तभी लागू होगा जब, क्या है कंडीशन, क्या है कंडीशन, यह है कि अनुच्छेद 370A के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा विस्तारित किया गया हो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 370A के तहत
अधीन राष्ट्रपति के द्वारा आदेश विस्तारित किया गया हो तो ही ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, जो भी संविधान में संशोधन किए गए हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संसद है, हमारी संसद है, संसद में जैसे मान लिया कोई संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, अब उसको लागू करवाना है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में अगर लागू करवाना है, सबसे पहले राष्ट्रपति के अधीन जो पहले क्या करना होगा, 370A के अधीन और राष्ट्रपति के आदेश पर विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। और दोस्तों 125 वर्ड में लिखना है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारे के सारे उत्तर जो भी आप लोग लिख कर भेजते हैं वो आपको उत्तर वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग दोस्तों करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। अब जो पेपर का प्रारूप है वो भी पता लग चुका है, तो 125 वर्ड और 200 वर्ड की ही प्रैक्टिस हम लोग अब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो शब्द सीमा का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अब ऐसा ना करिए कि पूछा आपसे 125 वर्ड में गया है, आप 150 या पौने 200 वर्ड में आप लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आंसर राइटिंग करते रहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोगों को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या तो आप लोग जो पीसीएस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।